एक्ट्रेस बनने के लिए दौड़ती थी लड़की, दबंगों ने कर दिया रेप। लड़की को दौड़ते वक्त 3 दबंगों ने किया अगवा। कमरे में ले जाकर बारी बारी बुझाई हवस की प्यास। पीड़िता ने पुलिस से लगाई इंसाफ की गुहार। स्क्रीन पर दिख रही ये लड़की यूपी पुलिस में भर्ती होने के लिए दिन रात मेहनत कर रही थी। सुबह को जमकर दौड़ती, दोपहर में पढ़ती और शाम को फिर रेस लगाती। लेकिन वह पुलिस में भर्ती होकर पीड़ितों को इंसाफ दिलाती, दबंगों बदमाशों को सबक सिखाती। उससे पहले ही वह खुद हवस के भूखे दरिंदों का शिकार हो गई। दरअसल ये मामला उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद के पट्टी थाना इलाके का। 7 मई को पुलिस भर्ती के लिए तैयारी कर रही लड़की सड़क पर दौड़ रही थी, तभी इलाके के ही 3 लोग आए और लड़की को अगवा कर कमरे में ले गए और गैंग रेप कर दिया। जी सर, हम दौड़ मतलब पुलिस फार्म में जो है फार्म भरे थे, हाँ। तो इसके लिए दौड़ने के लिए जा रहे थे, अपने मतलब भुवरा नहर है वहीं दौड़ने जा रहे थे। फिर वहीं पर 3 लड़के आए, तो उनका नाम है लाले उर्फ गुफरान अहमद और एक है रुद्र उर्फ रोहित, वो जो है विश्वकर्मा है, और मोनू उर्फ शत्रुघ्न और प्रजापति है जी। ये 3 लड़कियों पर थे। इसके बाद मुझे कुछ सुहा कर अपने गाड़ी में बैठा कर मोनू के रूम पर ले गए। फिर वहीं पर ले जा करके हमारे कपड़े उतार कर हमारे साथ गलत काम किए 3। फिर इसके बाद जो है सुबह 6 बजे जब हमें होश आया तो वो मुझे गाली देने लगे और मारे भी। घटना कब की है? जी 7 मई को। 7 मई को जी, हाँ। तो आज आप थाने आई हो, आप काफी तो हमारे घर में कोई भी नहीं था, सिर्फ हम मम्मी और हमारी सिस्टर थी। फिर इसके बाद और वो मतलब मारने के बाद बोले कि अगर किसी को बताओगी तो जान से मार देंगे। अच्छा, पूरे परिवार को? जी हाँ, तो इसीलिए हम डर से कुछ नहीं बोले हम पे। फिर अपने मम्मी को बताया, फिर मम्मी बोली कि चलो जाने दो। फिर हमारे पड़ोसी में जो चाचा होते हैं उनसे बताया, फिर वो बोले कि चलो ठीक है चलते हैं थाने में। फिर इसके बाद जो है उसी शिकायत लेकर आ जाई हूँ। जी हाँ, परिवार के साथ? जी सर। फिलहाल 3 आरोपी फरार हैं, पीड़िता इंसाफ की गुहार लगा रही है। पुलिस की तैयारी करने वाली पीड़िता की कहानी और फरियाद सुन प्रतापगढ़ पुलिस कितना सख्त एक्शन लेती है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, NTTV भारत। सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।